नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की ओर। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड की जमानत खारिज, पर्याप्त आधार पर न मिलने पर हयात समेत 7 की जमानत को कोर्ट ने किया निरस्त। आजमगढ़ में क्रिकेटर सरफराज खान का हुआ स्वागत, बोले स्ट्रगल में अब्बू ने दिया साथ, कभी नहीं सोचा था रणजी खेलूंगा। हिंदुत्व की मजबूती के लिए विहिप का मंथन, प्रयागराज में 23 और 24 जुलाई को होगी प्रांतीय बैठक, 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ेगा विहिप। दुरंतो के टॉयलेट में बच्ची का मिला बच्ची का जन्म, चलती ट्रेन में महिला को हुआ लेबर पेन, डॉक्टर न मिलने पर महिला पैसेंजर ने कराई डिलीवरी। एसी का कंप्रेशर फटने से मकान में लगी आग, मेरठ के जैन नगर में सोया हुआ था परिवार, आग ने मकान को चपेट में लिया। रेलवे के अफसर ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा पिताजी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके सपनों को तोड़ा है। कन्नौज सड़क हादसे में 1 की मौत, 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, सैफई किया गया रेफर। बांदा में ट्रक ने युवक को कुचला, मौके पर ही मौत, चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार, शव की नहीं हुई पहचान। महिला के कपड़े उतार कर की गई पिटाई, किया गंजा, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, रस्सी से हाथ पैर बांधे। मेरठ में धागा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 12 फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे में आग पर पाया काबू। भदोई में ऑटो की टक्कर से युवक की मौत, सुबह हाईवे पर कार चाय पीने जा रहा था, तेज रफ्तार ऑटो ने मारी टक्कर। गुरु पूर्णिमा मेला को लेकर मथुरा के गोवर्धन में रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। फतेहपुर के आवाजीपुर में निकला मगरमच्छ, वन विभाग ने पकड़कर यमुना नदी में छोड़ा, ग्रामीण बोले विभाग आसपास की नदी में भी जांच करे। बैंक में चल रहा था अवैध वसूली का खेल, कर्ज देने के नाम पर हो रही थी वसूली, कर्जधारकों ने बैंक में किया हंगामा। अवैध संबंधों के शक में पत्नी को गला घोटकर मौत के घाट उतारा, 8 साल पहले हुई थी लव मैरिज, 1 सप्ताह पहले मायके से ससुराल आई थी। अलीगढ़ में मस्जिद के सामने बारात निकालने पर फेंके अंडे, लड़कियों की शादी में बबाल, 4 के खिलाफ FIR। लोहिया संस्थान में नहीं मिलेगा मुफ्त इलाज, 1 रुपए के पर्चे की जगह अब 100 रुपए का होगा रजिस्ट्रेशन, जांच पर भी लगेगा शुल्क। खाकी पर क्राइम का दाग, झांसी के जवानों के कारनामों से बदनाम हुई खाकी, थाने में फायरिंग, रेप, छेड़छाड़ जैसे मामलों में घिरे पुलिस वाले। बलिया के हेडमास्टर सस्पेंड, शिक्षकों का रोका वेतन, छात्रों को कमरे में बंद करने के मामले में कार्रवाई। महोबा में कलेक्ट्रेट में बाबू ने मांगी रिश्वत, 500 रुपए मांगी रिश्वत, कम देने पर फेंके पैसे, पारिवारिक न्यायालय में तैनात है बाबू। गोंडा में डीएम ने नोडल अधिकारी के साथ की बैठक, भूजल बचाने के लिए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी की अपील। रामपुर में सामूहिक विवाह समारोह में दुल्हन की पिटाई, बहन और परिजनों ने जड़े थप्पर, दुल्हे से नाखुश थे। आजमगढ़ में युवक ने लगाई फांसी, पत्नी से झगड़ा हुआ था, गुस्से में साड़ी का फंदा बना कर दी जान। किशोरी निकली 6 माह की गर्भवती, युवक 6 माह से कर रहा था शारीरिक शोषण, मानसिक रूप से दिव्यांग किशोरी। फरुखाबाद में पिता भाई को लाठी डंडों से पीटा, घर में जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, गाली गलौज के बाद किया हमला। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोली, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एसओजी का 1 सिपाही भी घायल। डाइनिंग टेबल पर एक साथ आए विरोधी, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी के समर्थन में राजा भैया शिवपाल, राजभर ने किया जिताने का वादा। देवरिया में सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक, डीएम ने कहा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए त्योहार। ललितपुर में युवक ने महिला से किया रेप, विरोध करने पर दी पति को जान से मारने की धमकी, महिला ने एसपी से की शिकायत।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी, कहा जमानत मिलने पर गवाहों को धमका सकता है। अलीगढ़ में दलालों की मिलीभगत से शादी अनुदान योजना में हुआ बड़ा फर्जीबाड़ा, जांच में 69 लाख रुपए का घोटाला आया सामने। अमेठी में कोतवाली ने प्रभारी निरीक्षक की अभद्रता आई सामने, चेकिंग के दौरान कर्मचारियों से की अभद्रता की बात। औरैया में बकरी ईद का त्योहार आते प्रशासन हुआ चौकन्ना, जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कर रहे गश्त। बदायूं में देशी शराब पीने से दो लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा, सड़क जाम। अमेठी में विद्युत विभाग मना अवैध वसूली का अड्डा, कनेक्शन का स्थायी विच्छेदन कराने के बाद भी बिनगा में थमा दिया विद्युत बिल। बुलंदशहर में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, अल्ट्रासाउंड चालकों में हड़कंप। गाजियाबाद में रोपवे प्रोजेक्ट से लोग खफा, लोगों ने की मेट्रो बनाने की मांग, योजना के विरोध में लोगों के सिग्नेचर अभियान शुरू। अमेठी में नवागत पुलिस कप्तान विनोद कुमार पांडे ने संभाला कार्यभार, जगह जगह चला वाहन चेकिंग अभियान। गोंडा में स्थानीय सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ लगाए पौधे। अमेठी में पुलिस ने जलती चिता से उठाया विवाहिता का शव, पिता की तहरीर पर जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लूटपाट, झोपड़ी में बिस्तर पर मिली लाश, मंदिर की करती थी रखवाली। हरदोई में सपा जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने के लिए दो पक्षों में मारपीट, कुलदीप ने जीतू को धमकाकर हथियाई कुर्सी। कानपुर में कांस्टेबल पर लगा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप, युवती ने कांस्टेबल के खिलाफ दी तहरीर, पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग। हरदोई में बुआ भतीजे कॉलेज के बहाने घर से निकलकर पहुंची सीओ कार्यालय, बोली प्रेमियों से करा दो शादी नहीं तो हो जाएगी हत्या। मुरादाबाद में डीआईजी शलभ माथुर ने किया पैदल भ्रमण, पेन बेच रही बच्ची से डीआईजी ने की बात। हरदोई में शौच करने गई किशोरी गायब, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में कचरे के ढेर से फैल रही है बीमारियां, दिल्ली हाईवे पर फैक्ट्री के धुएं से कई गांव है परेशान, क्लीन कानपुर और ग्रीन कानपुर केवल दिखावा। मुरादाबाद के सरकारी स्कूलों में फटी पुरानी किताबों के साथ ही पढ़ रहे बच्चे, नहीं आई अभी तक किताबें। नोएडा में एनबीसीसी के पूर्व सीजीएम के घर सीबीआई की छापेमारी, रेड के दौरान भारी संख्या में कैश बरामद। सोनभद्र में थाना प्रभारियों ने किया पैदल गश्त, अतिक्रमण के खिलाफ दिए आश्वासक दिशा निर्देश। अमेठी में कुएं में गिरे बेटे को बचाने उतरे पिता की हुई मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकलवाया। बुलंदशहर के ठेले वाले ने दिया मानवता का परिचय, गाय को अस्पताल पहुंचाने के लिए ठेले वाले ने झोंकी ताकत, वीडियो आया सामने। फरुखाबाद में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में जुटे सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार ने राजेपुर सीएचसी का किया औचक निरीक्षण। अमेठी में बीच बाजार में महिला से चेन स्नैचिंग, रिक्शा पर बैठी तीन महिलाओं ने महिला से की चेन स्नैचिंग, महिलाओं ने स्नैचरों को पकड़ा। चित्रकूट में बेकाबू पिकअप ने बारातियों को मारी टक्कर। गोंडा डीएम के आवास में घुसा तेंदुआ, चार दिनों से दहशत में डीएम आवास के कर्मचारी, एसडीओ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड निगरानी कराई। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते मकान में लगी भीषण आग, घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई जान। कुशीनगर में पशु तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में तीन पशु तस्करों को लगी गोली, घायल पशु तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ नगर निगम जोन 8 ने बंद हुए पॉलिथीन को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई, पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीम ने दुकान पर मारा छापा। रायबरेली में तेज रफ्तार चार पहिया अनियंत्रित होकर गिरी खाई में, हादसे में बाल बाल बचे लोग, वहां पर चार पहिया वाहन हुए क्षतिग्रस्त।
संत कबीर नगर में अज्ञात कारणों से लगी आग, कई झोपड़ी जलकर हुई खाक। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। श्रावस्ती में फर्जी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का मामला आया सामने। गांव के ही युवक पर धोखे से हस्ताक्षर और मोहर लगवाने का आरोप। जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों में चले लाठी डंडे पथराव में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 6 लोग गंभीर। हरदोई में बिजली के खंभे पर डांस, 2 घंटे तक 2 युवक तार पकड़कर करते रहे ड्रामा, लोगों ने बंद करवाई सप्लाई। सांसद वरुण गांधी का ट्वीट, ट्विटर वॉर जारी, बोले लाल सिलेंडर बना सजावट की वस्तु, चूल्हे पर लकड़ियां चल रही। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य सचिव, प्रोग्राम स्थल का लिया जायजा, 16 जुलाई को आने वाले हैं पीएम। हापुड़ में कंटेनर में घुसा ट्रक, एक चालक की मौत, 1 घंटे तक हाईवे पर लगा रहा जाम। कमरे में बैठकर नहीं चलेगी समाजवादी पार्टी, शिवपाल बोले अखिलेश नहीं सुनते हैं मेरी बात, सीएम के बुलावे पर डिनर में गया। सीतापुर में घर के अंदर मिला महिला का शव, गले पर सूजन और चोट के निशान मिले, बेटे पर हत्या की आशंका। शाहजहांपुर में पीतल की मूर्ति के साथ 3 ठग गिरफ्तार, सोने की मूर्ति बनवाकर करते थे ठगी, पहले भी आरोपी जेल जा चुके हैं। बाइक को मैक्स ने मारी टक्कर, 1 व्यक्ति की मौत, पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने जाना परिजनों का हाल। बिजनौर में सड़क पर नहीं होगी ईद की नमाज, एसडीएम ने देखी सुरक्षा व्यवस्था, बोले माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। चंदौली में युवाओं को अग्निशमन विभाग देगा प्रशिक्षण, आग की घटना को रोकने में करेंगी मदद, प्रशिक्षण का प्रस्ताव, प्रमाण पत्र, नौकरी पाने में आएगा काम। गतिमान एक्सप्रेस से झांसी पहुंचा आदमी का सिर, धड़ का अता पता नहीं, 2 बार लोको पायलट बदले। मिर्जापुर में मछुआरों को मिली शिव पार्वती की मूर्ति, गंगा में मछली पकड़ते समय जाल में फंसी मूर्ति, पुलिस ने किया बरामद। जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।